Skortal, Srokar. सम्मानित मंच पर उपस्थित प्रबुद्ध आचार्यगण और विद्यालय प्रांगण में उपस्थित भारत की भावी आशाओं, जैसा कि विदित है, आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। बच्चों, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के कारण ही हम सामरिक महत्व के विषयों से आत्मनिर्भर बने हैं और ये हमारे वैज्ञानिकों की देन है। आज ही के दिन 11 मई 1998 को स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भारतीय रक्षा अनुसंधान के वैज्ञानिकों के द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया और इस परमाणु परीक्षण में 5 परमाणु परीक्षण किए गए। तत्कालीन प्रधानमंत्री ने इस दिवस को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाए जाने की उद्घोषणा की। तब से ये पर्व प्रतिवर्ष संपूर्ण विद्यालय, विश्वविद्यालय और राजकीय संस्थानों में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हम भी इसी संदर्भ में आज यहाँ राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाने के लिए एकत्र हैं और उन वैज्ञानिकों को नमन करना चाहते हैं जिन्होंने भारत देश के गौरव को बढ़ाया है। निश्चित रूप से उन वैज्ञानिकों ने भारत के लिए ऐसा महान कार्य किया है जिसे आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। 11 मई 1998 का दिन भारत ने अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया। यह परमाणु परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था और इसी दिन त्रिशूल नाम की मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया गया। 11 मई को ऑपरेशन शक्ति के रूप में 5 परमाणु बम का लगातार विस्फोट करने पर विश्व को यह जता दिया कि भारत भी एक ऐसा देश है जो परमाणु शक्ति संपन्न है, जिसके कारण विश्व के अनेक मुल्कों ने संयुक्त राष्ट्र सभा के द्वारा भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए गए। लेकिन भारत ने इसमें हार नहीं मानी और तत्कालीन राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने घोषणा कर दी कि घबराने की जरूरत नहीं है, यदि अमेरिका यूरेनियम आपूर्ति को बंद कर देता है तो भी हम उस काम को थोरियम के माध्यम से पूर्ण कर सकते हैं। इसलिए प्रसन्नता से रहो, चिंता की कोई बात नहीं है। 5 परमाणु परीक्षण की श्रृंखला में पहला सनियल परीक्षण था, जबकि दूसरा विखंडन परीक्षण यानी विखंडन बम के द्वारा परीक्षण राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी के द्वारा भारत में स्वदेशी प्रौद्योगिकी का विकास हुआ और इस विकास के बल पर परमाणु शक्ति संपन्न देश बना। बाद में चलकर भारत उस परमाणु शक्ति संपन्न देशों की श्रृंखला में शामिल हो गया, यद्यपि संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा उसे मान्यता नहीं मिली। तो निश्चित रूप से उन वैज्ञानिकों को जिन्होंने भारत के रक्षा अनुसंधान में काम करके देश के लिए महत्वपूर्ण आणविक शक्ति का आविष्कार किया है, हम उन्हें नमन करते हैं और हम ये आशा करते हैं कि आने वाले वर्षों में भी इसी प्रकार के परमाणु परीक्षण किए जाते रहें जिससे भारत विश्व में अपनी एक स्थायी पहचान बना सके।
वह दिन दूर नहीं जब भारत विश्व पटल पर पहले स्थान पर होगा, क्योंकि इसके बाद स्वदेशी अनेक मिसाइलों का प्रयोग मिसाइलों का सफल परीक्षण किया जा चुका है। उसमें नाग है, अग्नि है, अग्नि दो है और इसी प्रकार की दूसरी मिसाइलें भी भारत ने स्वदेशी तकनीकी के आधार पर निर्मित की हैं। निश्चित रूप से भारत की अपनी पहचान बनी है और भारत का प्रत्येक बाल, युवा और वृद्ध इस पर नाज करता है और उन वैज्ञानिकों को बधाई देता है जिन्होंने अपने परीक्षण के द्वारा भारत की स्थिति को सामरिक महत्व की दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाने में अपनी महती योगदान दिया है। जय हिंद, जय शिक्षक, जय भारत।